फ्रेंड्स तो कैसे आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए सास सोशल चैनल को और बगल के बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखें। है व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज आपके लिए मैं लाया हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते। और हाँ फ्रेंड्स, और ज़्यादा मेरे वीडियो में कमेंट आते हैं कि फ्रेंड्स मैं सिलेक्टिव ऑप्शन कैसे मेरे में है। तो फ्रेंड्स जो मैंने नीचे लाइटरूम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करेंगे तो आपका लाइटरूम में फुल अनलॉक्ड वर्जन आ जाएगा जिससे आपकी सिलेक्टिव टूल्स ओपन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो ये फोटो है, ठीक है, ये सिंपल फोटो है, इसे हम आज करेंगे एडिट। तो यहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है कि लेंस प्रोफाइल करेक्शन ऑन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमको यहाँ पे जाना है इसकी ये इस वाले ऑप्शन में, इसके ऊपर वाले में, यहाँ से नॉइज रिडक्शन को कर देनी है 30 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद आपको इस कलर नॉइज रिडक्शन भी 30 के आसपास नहीं 20 के आसपास कर देनी है। उसके बाद आपको इसके ऊपर वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ से आपको इसकी क्लियरिटी को हाई कर देनी है, वो भी 30 के आसपास। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी हम बिगनेट को कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से कलर के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से इसकी वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे हल्का सा, और यहाँ से मिक्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसकी ह्यूज को हम कर देंगे बिल्कुल माइनस में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम यहाँ से ऑरेंज वाले टूल्स को सिलेक्ट करेंगे और अभी ऑरेंज वाले को रहने देते। यहाँ से येलो वाले को हम इसकी ह्यूज को कर देंगे बिल्कुल कम, और ग्रीन वाले के भी कर देंगे ह्यूज को बिल्कुल ही कम। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इसकी ल्यूमिनेंस को हल्का सा लो कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसकी ह्यूज हम माइनस में कर देंगे और इसकी ह्यूज को हम हल्का सा प्लस में रख के और इसकी ल्यूमिनेंस को बिल्कुल लो कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पिक बिल्कुल आधी डन हो चुकी है। तो उसके बाद हमको यहाँ से जाना है इस वाले ऑप्शन में, यहाँ से हम इसके कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा कम कर देंगे, हाईलाइट्स को रहने देंगे और शेडो कर देंगे कम। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद वाइट्स को ज़्यादा कर देंगे और ठीक है ब्लैक्स को कर देंगे कम। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे इसकी बिगनेट को कर देंगे हल्का सा लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पिक अभी डन नहीं हुई है। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे बैक, ठीक है, हम इसको यहाँ से सेव कर लेंगे, यहाँ से कर लेते हैं सेव टू डिवाइस। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो सेव होने देते हैं। उसके बाद हम इसको दोबारा फिर ऐड कर लेंगे लाइटरूम में। तो हम ये हमारी पिक सेव हो गई है, तो हम यहाँ से जाएंगे बैक और यहाँ से ऐड फोटो पे जाएंगे, यहाँ से दोबारा इस फोटो को कर लेंगे ऐड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से कर लेते हैं ऐड, ऐड कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमको यहाँ से दोबारा जाना है यहाँ से पिक्स टूल्स में और इसकी वाइब्रेंस को हल्का सा बढ़ानी है। पिक्स टूल्स में जाएंगे और इसके ऑरेंज को कुछ नहीं करना है, इसके येलो को हमको यूज कर देना है दोबारा माइनस में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी स्क्रीन को भी माइनस में कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कितनी अच्छे से इंक्रीज हो गई है। और इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसकी ल्यूमिनेंस और थोड़ी सी कम कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और हम इसकी सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा देंगे तो हमारी पिक की लुक और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद हम यहाँ से दोबारा यहाँ से कलर को यहाँ से जाएंगे लाइट में और इसकी हम कंट्रास्ट को हल्का सा कम कर देंगे और शेडोज को बढ़ा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ब्लैक्स को हल्का सा कम कर देंगे। तो हमारी पिक देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आ गई है। और दोबारा बिगनेट में जाएंगे और इसकी बिगनेट को हम कर देंगे कम। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी रहने देंगे और इसकी क्लैरिटी को हम इंक्रीज कर लेंगे। तो हमारे पिक की देख सकते हैं लुक कितनी ही झक्कास जैसी हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि पहले हमारी पिक कैसी थी और अभी देख सकते हैं कि कैसी है। ठीक है, इससे पहले वाले देखेंगे तो आपको कितनी अच्छी ये लग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे इस प्रोफाइल में, प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से आपको बहुत सारे यहाँ से इसमें प्रीसेट्स दिख रहे होंगे, लेकिन आपको यहाँ से आर्टिस्टिक फाइव डालना है। तो यहाँ से आर्टिस्टिक फाइव को मैं यहाँ से डाल देता हूँ और इसकी यहाँ से बिल्कुल हल्का सा रहने देंगे 39 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे राइट। तो हमारी पिक की लुक कितनी अच्छी हो गई और ऑसम लग रही है देखने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये हमारी पिक हो गई बिल्कुल रेडी। तो आपको यहाँ से जाना है 3 डॉट पे और यहाँ से कर देना है सेव टू डिवाइस और यहाँ से हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी पे सिलेक्ट करके कर देना है ओके। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू गाइज़।